नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय एवं पेशे से आय, और इस व्यवसाय एवं पेशे से आय में हम पढ़ चुके हैं ह्रास एवं अन्य प्रावधान। हमने बात की थी कि व्यवसाय अथवा पेशे से आय कमाने के लिए जिन संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है, उन संपत्तियों के संबंध में व्यवसाय अथवा पेशे से जो आय प्राप्त की जाती है, उस आय में से उन संपत्तियों के संबंध में ह्रास की कटौती दी जाती है। तो ह्रास की दरें हमने पढ़ी और ह्रास के संबंध में कुछ अन्य प्रावधान हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं व्यवसाय एवं पेशे से आय। इस व्यवसाय एवं पेशे से आय में आज हम बात करेंगे कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय बिजनेस में वाणिज्य, व्यापार, निर्माण एवं साहसिक कार्य शामिल है। व्यवसाय में बिजनेस में वाणिज्य, कॉमर्स, व्यापार, ट्रेड, निर्माण किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, और साहसिक कार्य किसी प्रकार का एडवेंचर, कोई एडवेंचरस कोई कार्य किया जाए वो शामिल है। वाणिज्य एक व्यापक शब्द है, और वाणिज्य में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं शामिल है। तो वाणिज्य एक व्यापक शब्द है जिसमें व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं शामिल है। व्यापार में व्यापार का अर्थ है वस्तु के क्रय विक्रय का कार्य। किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है उसको व्यापार कहा जाता है, ट्रेड कहा जाता है। और व्यापार की सहायक क्रियाएं जैसे बैंकिंग क्रियाएं, बीमा क्रियाएं, संचार सेवाएं, यातायात की सेवाएं आदि व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती है, जो व्यापार में सहायता करती है। बैंकिंग की क्रियाएं, बीमा की क्रियाएं, संचार सुविधाएं, यातायात सेवाएं, ये व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती है। तो वाणिज्य में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं शामिल है। व्यापार वस्तु के क्रय विक्रय का कार्य व्यापार कहलाता है। निर्माण मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, कच्चे माल से कोई नया उत्पाद बनाना, कोई तैयार माल तैयार करना निर्माण कहलाता है। तो इसमें निर्माण में इनपुट कच्चा माल जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, और फिर एक नया उत्पाद तैयार होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये निर्माण कहलाती है। तो निर्माण का कार्य भी व्यवसाय में सम्मिलित है। चौथा है साहसिक कार्य, कोई एडवेंचर। कोई व्यक्ति जिसको व्यापार का, व्यवसाय का कोई भी अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी प्रकार का लेन देन कर लेता है, कोई वस्तु खरीद कर किसी वस्तु को बेच देता है, अगर इस प्रकार का कोई एकल व्यवहार कर लेता है, कोई सिंगल ट्रांजेक्शन भी अगर गत वर्ष में कर लेता है, तो ऐसा कार्य साहसिक कार्य कहलाता है। और उस प्रकार से जो किए गए ट्रांजेक्शन से जो आय प्राप्त होती है, उस आय को व्यवसाय की आय माना जाता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय में वाणिज्य, व्यापार, निर्माण कार्य और साहसिक कार्य शामिल है। अब हम बात
करेंगे पेशे की, पेशा या प्रोफेशन, प्रोफेशन, प्रोफेशन या पेशा। पेशे में जो उच्च शैक्षिक योग्यता की और बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील, डॉक्टर आदि, तो ये व्यक्ति पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं। तो अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, डॉक्टर है, तो ये जो अपने प्रैक्टिस से जो आय कमाते हैं वो पेशे की आय कहलाती है, ये इनका प्रोफेशन होता है। पेशे में वृत्ति भी शामिल है, वृत्ति या वोकेशन। वृत्ति का तात्पर्य है जिसमें किसी प्रकार की शैक्षिक या बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें अनुभव और कार्य क्षमता की आवश्यकता होती है। जैसे कोई व्यक्ति धोबी का काम कर रहा है, लुहार, सुनार, खाती, ये सब कार्य जो है वो वृत्ति कहलाती है। और इसमें वृत्ति में एक कुछ उच्च वृत्ति भी कहलाती है, जिसको जो है समाज जो है ऊंची नजरों से देखता है। जैसे कोई गायक है, लेखक, नृतक है, कोई संगीतज्ञ है, खिलाड़ी, ये सारे भी वृत्ति कहलाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति वृत्ति से कार्य करके, कोई खिलाड़ी है, कोई लेखक है, कोई गायक है, कोई संगीतज्ञ है, अगर इन सब कामों से कोई आय कमाता है, तो वो आय व्यापार एवं पेशे की आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। अगर कोई व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, डॉक्टर है और अपने पेशे से आय कमाता है, तो इस प्रकार की आय भी व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। तो हमने व्यापार और पेशा दोनों का शाब्दिक अर्थ का मतलब समझा, और हमने देखा कि इनमें कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती है। व्यापार एवं पेशे से आय में सट्टे की आय भी शामिल की जाती है। सट्टे से आय, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन। व्यापार एवं पेशे से आय में सट्टे की आय भी शामिल की जाती है। सट्टे के आय की गणना और सट्टे के आय का लेखा व्यापार एवं पेशे की आय से अलग किया जाता है। सट्टा क्या है? सट्टे में अंशों एवं स्टॉक के साथ साथ किसी वस्तु के खरीदने या बेचने का अनुबंध किया जाता है। तो स्पेकुलेशन में सट्टे में अंशों एवं स्टॉक के साथ साथ, यानी स्पेकुलेशन में शेयर्स और जो स्टॉक है उनके खरीदने बेचने का अनुबंध किया जाता है, और साथ साथ अगर इनके अलावा किसी वस्तु का भी अगर कोई खरीदने या बेचने का अनुबंध किया जाता है, तो वो सट्टे से आय के अंतर्गत आता है। लेकिन इसकी एक और विशेषता है कि इनमें जो अनुबंध का निपटारा, जो ये अनुबंध है खरीदने और बेचने का, ये तत्काल नहीं किया जाता। इस अनुबंध का निपटारा भविष्य में किया जाता है। यानी कि सट्टे में
वस्तु के खरीदने या बेचने या फिर अंशों या स्टॉक के खरीदने या बेचने का जो अनुबंध किया जाता है उसका निपटारा उसका निष्पादन भविष्य में किया जाता है किसी एक निश्चित अवधि के बाद, तुरंत इसका खरीदने और बेचने का अनुबंध का निपटारा नहीं किया जाता। और तीसरी विशेषता है कि निपटारे में वस्तु या अंशों एवं स्टॉक का वास्तविक हस्तांतरण नहीं किया जाता। और सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसमें निपटारे में वस्तु का या फिर अंशों स्टॉक का वास्तविक हस्तांतरण नहीं किया जाता। जब निपटारा किया जाता है खरीदने और बेचने का तो इसमें वस्तु का या अंशों का वास्तविक लेन देन नहीं होता, हस्तांतरण नहीं होता, इसमें केवल जो राशि का अंतर है उसका भुगतान कर दिया जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए ने बी से एक अनुबंध किया, मान लेते हैं कि एक बोरी गेहूं, एक बोरी गेहूं को 3 माह बाद 2000 रुपए में खरीदने का अनुबंध किया। सत्य का एक उदाहरण लेते हैं जिसमें दो व्यक्ति हैं ए और बी। तो ए ने बी से एक बोरी गेहूं को 3 माह बाद 2000 रुपए में खरीदने का अनुबंध किया। हमने बात की है कि इसमें अनुबंध का निपटारा भविष्य में किया जाता है, तो इसमें जो अनुबंध है उसका निपटारा भविष्य में 3 माह बाद किया जाएगा और 2000 रुपए में खरीदने का अनुबंध किया है। अब 3 महीने बाद अगर इस बोरी एक गेहूं बोरी का मूल्य यानी 100 किलो गेहूं का मूल्य अगर 3 माह बाद 2100 रुपए हो जाता है, 2100 रुपए 3 माह बाद अगर इसकी कीमत हो जाती है, तो अब बी के पास दो ऑप्शन है। या तो बी बाजार से एक बोरी गेहूं 2100 रुपए में खरीदे और खरीद के ए को दे दे, 2100 रुपए में बी खरीदेगा बाजार से गेहूं और ए को जो है सुपुर्द कर देगा, और ए द्वारा इस बोरी को खरीदा गया है 2000 रुपए में, तो ए द्वारा इसको बी को 2000 रुपए चुकाए जाएंगे। तो बी द्वारा गेहूं बाजार से खरीदे और ए को सुपुर्द कर दिए गए। अब ए ने क्या किया, इन गेहूं को बाजार में जाकर बेच दिया। तो अगर ऐसा होता है तो ए द्वारा इस प्रकार से जो आय कमाई गई गेहूं के विक्रय से वो आय व्यापार की आय कहलाएगी, न कि सट्टे की आय कहलाएगी। क्योंकि सट्टे में जब अनुबंध का निपटारा किया जाता है तो वस्तु या अंश और स्टॉक का वास्तविक हस्तांतरण नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर जब बी ने गेहूं को बाजार से खरीदा और ए को सुपुर्द किया तो इसमें वस्तु का वास्तविक हस्तांतरण हो रहा है, इसलिए इस अनुबंध को हम सट्टे का अनुबंध नहीं कह सकते। जो आय ए ने कमाई है वो सट्टे से आय नहीं मानी जाएगी, वो व्यापार से आय मानी जाएगी। लेकिन अगर बी यहां पर गेहूं को बाजार से नहीं खरीदे, केवल जो राशि का अंतर है वो ए को भुगतान कर दे, यानी कि अभी जो बाजार में गेहूं की कीमत है वो 2100 रुपए है और जो अनुबंध हुआ था खरीदने का वो हुआ था 2000 रुपए में, तो अगर 100 रुपए बी द्वारा ए को भुगतान कर दिए जाए, जब अनुबंध 3 माह बाद जब अनुबंध की तिथि आती है, निपटारे की तिथि आती है, उस दिन अगर 100 रुपए जो अंतर की राशि है वो अगर बी द्वारा ए को भुगतान कर दिया जाए, तो ऐसा जो सौदा है या अनुबंध है ये सट्टा कहलाएगा और जो ए को जो 100 रुपए प्राप्त हुए हैं वो आय सट्टे की आय कहलाएगी। यहां पर दूसरी स्थिति भी हो सकती है कि गेहूं का मूल्य उस दिन 1900 रुपए हो गया 3 महीने बाद, तो अब यहां पर क्या होगा कि जो अंतर की राशि है 100 रुपए 2000 रुपए में खरीदने का अनुबंध किया था 3 महीने बाद बी से, लेकिन अब गेहूं का जो मूल्य है वो 1900 रुपए हो गया 3 महीने बाद, तो 100 रुपए अब ए द्वारा बी को भुगतान किया जाएगा और बी द्वारा जो 100 रुपए की आय है वो सट्टे से आय मानी